अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान अब्बासी। आप देख रहे हैं सदाए हक कश्मीर न्यूज़ चैनल। बरतानिया में जानवरों के लिए नए और सख्त कानून मंजूर। अब ये काम किया तो 5 साल कैद की सज़ा भी होगी। इस खबर की तफसीलात से कबल और खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। लंदन, जानवरों पर जुल्म करने वालों के लिए नए इकदाम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, 5 साल कैद के कानून पर अमल दरामद शुरू हो गया। कबल अज़ीं ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 12 माह कैद थी। अदालतों को ये इख्तियार भी हासिल होगा कि इंतई सीरियस केसेस में गैर महदूद जुर्माने आयद किए जा सकें। सख्त सज़ाओं का नफाज जानवरों की लड़ाई या जानवरों को गैर ज़रूरी तौर पर तकलीफ़ देने के केसेस में होगा। जंगली हयात के खिलाफ जुराम का भी अहाता किया जाएगा। नए कवानीन दी एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ स्कॉटलैंड एक्ट का हिस्सा हैं। इस कानून को एक पुलिस डॉग फंड से मंसूब किया गया है जो 2016 में हार्टफोर्डशायर में एक हमला के दौरान अपने पीसी ड्यू वाडेल को बचाने की कोशिश के दौरान चाकू गोंपे जाने के बाद शदीद ज़ख्मी हो गया था। पीसी वाडेल ने कहा कि स्कॉटलैंड में रोज़ाना हमारे बॉर्डर पुलिस डॉग्स और हॉर्सेस हमें नुकसान पहुँचाने से बचाने और माशरा को तहफ़ देने के मकसद से ख़ुद को ख़तरात में डाल देते हैं। इन हैरानकुन जानवरों को कानून के तहत तहफ़ हासिल करते देखना मेरी ज़िंदगी का अजीम लम्हा है। दर हकीकत वो इसके मुस्ताहिक थे। स्कॉट हुकूमत ने कानून में तब्दीली हमारे इस अज़म की अकासी करती है कि हम इस अमर को यकीनी बना रहे हैं कि स्कॉटलैंड के जानवरों बाशमूल हमारे सर्विस एनिमल्स को बेहतरीन मुमकिन तहफ़ हासिल रहेगा। वज़ीर शहरी उमूर मेरी गुजेन ने कहा कि स्कॉटलैंड में लोगों की अक्सरियत जानवरों और जंगली हयात के साथ एहतराम और उनकी निगहदाश्त का सलूक करती है।